हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी दिल से पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज कंप्यूटर से किसी मोबाइल पर भेज सकते हैं। यस दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर से कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर किसी दूसरे डिवाइस पे भेज सकते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे व्हाट्सएप अपने पीसी में डाउनलोड करके और उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको व्हाट्सएप आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। उसके लिए अगर आपको कोई मैसेज यानी कि भेजना है अपने पीसी से दूसरे डिवाइस पर व्हाट्सएप के यानी कि थ्रू, तो आपको पहले व्हाट्सएप खोल लेना है। तो देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप खुल चुका है। तो व्हाट्सएप खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको जिस पे भी भेजना है, जैसे कि मुझे इन पर भेजना है, तो आप उनका वो ऐसे क्लिक करके मैसेज खोल लीजिए। और यहाँ पे आपका यानी कि टॉप में लेफ्ट में आपको ये सॉरी राइट में टॉप राइट में आपको एक ये पिन टाइप का मिल रहा होगा। इसमें अगर आप ले जाइएगा माउस को तो अटैच आएगा, अटैच आप देख सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने ऐसे हो जाएंगे। तो आपको जो चीज़ शेयर करनी है, अगर आपको कोई फोटो या वीडियो शेयर करना है तो इस पर क्लिक करिए। अगर आपको कोई कैमरे का पिक भेज के पिक खींच के उनको भेजना है तो आप कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर आपको भेजना है तो आप उसका कर सकते हैं। और आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना है तो उसका कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई मीटिंग रूम जैसा बना सकते हैं। तो मैंने अभी फोटो और वीडियो हम करके देखते हैं। और आपको फोटो और वीडियो पे क्लिक करना है और आपके सामने ये खुल जाएगा। तो ये खुलने के बाद आपके सामने ये खुल गया। और फिर ये खोलने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ जो फोल्डर से अगर आपको भेजना है, जो भी फोल्डर से आपको इन पे वो पिक भेजनी है, तो आपको वो फोल्डर खोल लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे इस यानी कि इस फोल्डर से मुझे ये वाली पिक भेजनी है इन अंकल पे, तो मैंने ओपन कर लिया है। और ओपन पे क्लिक करके वो चूज करके आपको जो चीज़ इनके साथ में डालना है, यानी कि अगर आपको इस पिक के साथ साथ कोई मैसेज भी भेजना है तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं। या फिर अगर आपको सिंगल सिर्फ पिक ही भेजनी है तो आप पिक भी भेज सकते हैं। और यहाँ पे एक इमोजी का ऑप्शन, आप इमोजी भी चुन सकते हैं। और आपको उसके बाद यहाँ पे जैसे मोबाइल में करते हैं वैसे इसको सेंड कर देना। और आप देख सकते हैं ये सेंड हो चुका है। तो दोस्तों, आप इसी तरह कंप्यूटर में व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी फोटो या वीडियो भेज सकते हैं किसी डिवाइस पे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।